समक्ष। कहिए किससे मिलना है? मोहिनी कहाँ है? मैडम घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ वो अंदर, नाटक मत करो, मुझे अंदर जाना। मैंने कहा ना सर, मैडम घर पर नहीं है। अरे वो अंदर ही है, जाने दो मुझे। नहीं है अगर सर, आप नहीं पूछ सकते आप, चलो बाहर जाइए। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे जाइए आप। चलो चलो दक्ष, चलो। उस औरत को छोड़ूंगा नहीं मैं। आंटी आपको अंकल बुला रहे, कह देना उनसे मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ रखने जा रही हो? वहाँ पे। ठीक है, उस तरफ रखना। अपरा जी। जी वो कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन वैसे कोई जरूरी काम होगा वरना वो इस तरह नहीं जाती। हाँ, पर चिंता इस बात की है कि दोनों यहाँ मौजूद नहीं है। दोनों में से एक भी होता तो दिल को तसल्ली रहती कि दूसरा आ जाएगा। क्या करें, और ऊपर से परेशानी इस बात की है कि आदित्य भी इसी बात को लेकर परेशान थे। पिछले कुछ दिनों में सदमों से अभी अभी उभरी है पलक। वैसे होने को कौन टाल सकता है, पर अपरा जी मैंने तो अपने बेटे को खोया है। खैर जो होना तो हो गया। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ भाई साहब, पर पलक का ये है कि वो आपके घर में खुशियां बिखेरना चाहती है। वो घर के हर सदस्य को खुश देखना चाहती है। उसका कुछ नाता जुड़ गया है हर किसी से। काश ये खुशियां बाजार में बिकती, ढेर सारी पलक के लिए खरीद लेता, कुछ मैं अपने बच्चों के लिए खरीद लेता और कुछ अपने मां बाप के लिए। पर कमबख्त खुशियां बिकती नहीं। भाई साहब मेरा तो बस इतना ही मानना है कि अब पलक का ख्याल आप ही को रखना है, क्योंकि पलक सिर्फ आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी भी। Excuse me.